तो गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका की टाइटल है एनाबेली सेतुपति। लीडिंग कास्ट में नजर आ रहे हैं विजय सेतुपति और तापसी पन्नू। सबसे पहले आपको बता दूं गाइस इस फिल्म की स्टोरी क्या है, डायरेक्शन किसने दिया है, बजट क्या है। गाइस जो इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है वो है लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए, लेकिन मुझे लगता है नहीं है कि इतना बजट होगा इस फिल्म का। वहीं इस फिल्म को डायरेक्शन दिया है दीपक सुंदर राजन ने। गाइज फिल्म काफ़ी अच्छी है, रिलीज हो चुकी है, इसकी IMDb रेटिंग है 2.5 out of 5। जी हाँ सही सुन रहे हो गाइज। बात करें फिल्म को लेकर, फिल्म वास्तव में काफ़ी अच्छी है, देखने लायक है, जो कि इस वक्त रिलीज हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अगर आप फिल्म को देखोगे तो आपको एक चीज़ और पता चलेगी, वो क्या है आपको मैं बाद में बताऊंगा। गाइज अब ऐसे में बात की जाए फिल्म को लेकर कि फिल्म में क्या है, स्टार कास्ट इनके अलावा और कौन नज़र आ रही है। सबसे पहले गाइज आपको बता दूँ, ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो कि पैन इंडिया के तौर पर रिलीज हुई है और इसको हिंदी डबिंग में जो नाम दिया है वो है एनाबेली राठौर। और आपको बता दूँ एनाबेली इस फिल्म में जो है वो है तापसी पन्नू, उनका रोल का करेक्टर का नाम है एनाबेली। आपको बता दूँ गाइज एक्चुअल में स्टोरी है क्या, स्टोरी है एक महल की, एक पैलेस की, जिसे कि बनाते हैं विजय सेतुपति अब एनाबेली के लिए। कहने का मतलब गाइज ये है, जो ज़मीन होती है वो होती है असल में जगपति बाबू की। अगर स्टोरी के हिसाब से चला जाए तो स्टोरी के हिसाब से गाइज एग्जैक्ट आपको मैं बताता हूँ, एक महल जिसके अंदर 3 लोग घुस जाते हैं, कहने का मतलब है वो उसके अंदर घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली जो लोग होते हैं तीनों, वो उन्हीं तीनों मतलब रह रहे भूतों के फैमिली मेम्बर होते हैं। आपको बता दूँ उस महल के अंदर भूत हैं जिसमें से जगपति बाबू भी एक है। गाइज आपको बता दूँ एंट्री सबसे पहले जगपति बाबू की ही होती है फिल्म के अंदर। कहने का मतलब ये है वो उस घर के अंदर कैद है, कहने का मतलब ये है बहुत पुराने वक्त की बात है जब उनका पूरा परिवार जगपति बाबू का रह रहा था उस महल में, किसी ने उनके खाने में जहर मिला दिया था और वो सारे के सारे वहीं मर गए थे और उसके बाद वो कभी उठे ही नहीं। उनका जो सैफ था उस वक्त वो थे योगी बाबू। जी हाँ गाइज काफ़ी अच्छे कैरेक्टर हैं, आपने इन्हें देख भी लिया होगा काफ़ी सारी फिल्मों में, खासतौर गुरखा, मस्त कॉमेडी करते हैं। बात करें फिल्म को लेकर तो गाइज जहर मिला दिया तो उसके बाद वो सभी लोग मर गए। अब गुरखा के पास बोले तो योगी बाबू के पास एक ऐसा वो आ गया है वरदान कि ना वो हर अमावस वाले दिन उनके अंदर पावर आ जाती है, वो किसी के अंदर भी घुस के खाना बना सकते हैं और खाने में जहर मिला देते हैं। अब उनका वरदान ये है उस जहर को खाने के बाद अगर कोई इंसान जिंदा बचता है तो वही उन्हें आज़ाद करा सकता है, बस उसकी उसी के बाद से उनकी रेस चालू हो जाती है। तभी एंट्री होती है तापसी पन्नू की जो कि अपना दूसरा जन्म लेती है। तापसी पन्नू जाती है उस महल में और जाती है उसी वक्त हड़कंप आ जाता है। तापसी पन्नू को देखते हैं गुरखा और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं काफ़ी बार कि भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तुम इस महल में पहले भी आ चुकी हो, तुम इसकी महारानी हो, लेकिन उसका यकीन नहीं करती तापसी पन्नू कि भाई ये झूठ बोल रहा है और बोलता है कि भाई तो फिल्म की स्टोरी है, किसी स्टोरी उसको सुनाओ प्रोड्यूसर को, फिल्म एकदम सुपर हिट होगी। उसको यकीन नहीं करती वो बंदी। अब जब देखती है लोगों को आसपास कुछ नहीं है, गुरखा को भी वो उस वक्त देख पाती है जब उसे पहली बार जहर खिलाया जाता है, उसके बाद वो उन लोगों भूतों को देखने लगती है कि हाँ भाई भूत भी हैं और उनको उसे आज़ादी दिलानी है, उसके लिए वो डिमांड करती है कि जो महल है उसे उसके नाम करना होगा। गाइस फिल्म काफ़ी अच्छी है। फिर उसके बाद जो योगी है यानी कि गुरखा, वो स्टोरी सुनाता है कि आखिरकार हुआ क्या था। तब वो बताता है कि ये 1945 की बात है जब उस जगह पर दो पहाड़ हुआ करते थे और उसके ऑनर थे जगपति बाबू, जो उन्हें लगा कि अब आज़ादी मिल जाएगी, देश आज़ाद होगा तो ये ज़मीन सरकार छीन लेगी, तो उसे वो 200 रुपये में बेचने की वो करते हैं कोशिश। पर जब नीलामी स्टार्ट होती है वो सीधे ही जो दाव लगाते हैं वो लगाते हैं 1000 का, बोलते हैं 1000 से इसकी स्टार्टिंग होगी। फिर भी उस ज़मीन को 1500 रुपये में ख़रीद लेते हैं जगपति बाबू, सॉरी राठौर यानी कि विजय सेतुपति, जो कि इसके अंदर राठौर का रोल प्ले कर रही है, उसके सर जो महल के हैं राजा उसका। आपको बता दूँ उस उनको ले लेते हैं और काफ़ी लोग उन पर हंसते हैं कि भाई इतने बंजर ज़मीन का, इतनी बेकार ज़मीन का ये इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है लेकिन उससे कोई दुख नहीं होता उस चीज़ का। इवन जो बंदा जिससे खुश होना चाहिए कि भाई उसकी 200 की ज़मीन 1500 में बिक गई है, वो बंदा भी सोच में पड़ जाता है ऐसा क्या है इस ज़मीन में कि इस बंदे ने ये ज़मीन 1500 रुपये में ख़रीद ली, क्या इसके अंदर सोना दबा हुआ है क्या।
वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। जब आपको बता दूँ, जब वो वापस जा रहे होते हैं नीलामी के बाद, तब उनकी एंट्री होती है एनाबेली, जो कि एक फॉरनर होती है, लंदन से आई हुई होती है। गाइज आपको सही बता रहा हूँ मैं, मेरे को ये चीज़ सबसे मस्त लगी, जो इस फिल्म में स्लैंग है, बोले तो बोलने का तरीका तापसी पन्नू का एकदम मैच करता है फॉरनर से। या तो किसी ने बैक वॉइस दिया है, ये कह सकता हूँ मैं, अदरवाइज यार अनबिलीवेबल जो वॉइस है तापसी पन्नू की, यार खतरनाक वॉइस है जो तापसी पन्नू की इस फिल्म में देखी गई है यार। एकदम स्लैंग परफेक्ट, आप कह नहीं सकते भाई ये कोई इंडियन बोल रहा है। वही तभी से एनाबेली की शुरुआत होती है, एनाबेली उनसे दोस्ती होती है, फिर वो एनाबेली के लिए एक महल तैयार करते हैं। उन्होंने कहा मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ अगर आप मेरे लिए मुझसे शादी करो तो। बोले क्या? वो मेरे दिमाग में है, अभी बनानी है, जब बन जाएगा मतलब मैं आपको दिखाऊंगा। तब शादी हो जाती है और वो महल तैयार करता है, अलग अलग देशों से आर्ट कारीगर बुला के नई नई क्रिएटिविटी करता है महल में, वो महल बनता है शानदार, जिससे जगपति बाबू भी देखकर हैरान हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसा इसमें क्या है, जो आठ महलों के कारीगर आए ये है और वो है, काफ़ी सारी चीज़ें बोलता है। और जब वो बंदा ना अंदर जाता है, उसकी आंखें चकाचौंध रह जाती है और उसको बिलीव नहीं होता अपनी आंखों पे कि उसने आखिरकार क्या देखा, कह सकते हैं आठवां अजूबा। जी हाँ गाइस, एक्चुअल में क्या है, फिर उसके बाद में उसके अंदर लालच जाग जाता है जगपति बाबू के अंदर कि मुझे भी अब ऐसा महल चाहिए। अब फिर उन कारीगरों से बोलता है कि मेरे लिए भी क्या आप ऐसा महल बना सकते हो, तब वो बंदे बोलते हैं तो आप एक काम करना, इसका ब्लूप्रिंट दे देना आपको, जो जैसा महल बनवाना है ये इसका जो ब्लूप्रिंट है वो खुद महाराज ने दिया था, इसलिए हमने उनको बना के तैयार कर दिया। और उसमें भी काफ़ी वक्त लगा और उनकी मेहनत थी। तो अब उसने सोचा कि कोई चीज़ पहली बार बन जाती है तो उसी की डिमांड ज़्यादा होती है, चाहे उसके बाद उसकी डुप्लीकेट हज़ार बन जाए उनसे कोई मतलब नहीं है, तो मुझे चाहिए तो यही महल चाहिए, अदरवाइज़ कोई महल नहीं चाहिए। तो इसलिए अब पहले सीधे जाके पूछते हैं जगपति बाबू से, सॉरी उस महाराज यानी कि विजय सेतुपति से, क्या आप इस महल को देखना चाहते हो? बोलते हैं नहीं, लेकिन हमारे यहाँ महल से कोई जाता है तो हम उसे खाली हाथ नहीं भेजते, वो बंदा उसे एक आम दे देता है जो कि उसके बगीचे का पहला आम होता है, उसे दे देता है। वो बंदा उसे काट के घर खा ही रहा होता है, इतने में जगपति बाबू विजय सेतुपति के घर पर गुंडे भेज देता है उन्हें मारने के लिए, और वो उन्हें मार देता है। उसके बाद वो घर पर आता है और उसे समझाता है प्यार से, मान जा, और आम खा के वो चला जाता है। आम खाने के बाद चला जाता है। जब वो कुछ दिन बीतते हैं और शांति से रह रहे होते हैं, तब उनके खाने में जगपति बाबू और एनाबेली के खाने में जहर मिला देता है विजय सेतुपति और उन्हें मार देता है। विजय सेतुपति और एनाबेली के खाने में जगपति बाबू जहर मिला देते हैं और उन्हें मार देते हैं। यहाँ पे इस स्टोरी है। और जो योगी बाबू है वो इनके वफादार का रोल प्ले कर रहे हैं महाराज के, यानी कि विजय सेतुपति के, जो कि उनके शुरू से ही सैफ रहते हैं, वो उस चीज़ को देख लेते हैं। फिर उसके बाद महल पे कब्जा कर लेते हैं जगपति बाबू, और जगपति बाबू के जो खाना होता है उसी में जहर मिला देते हैं योगी बाबू। और उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि ये बंदा सही है गलत, तो योगी बाबू सबसे पहले जगपति बाबू योगी बाबू को खाना खिलाते हैं कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है, और योगी बाबू चुपचाप खा लेते हैं उस जहर के खाने को। उसके बाद योगी बाबू मर जाते हैं और महल में रह रहे जितने भी लोग, इवन सारी परिवार जगपति बाबू का, सब मर जाते हैं। बस एक पोता बचता है जगपति बाबू का, जो कि एंट्री करा रहा था, जो कि लेके आया था उस महल के अंदर तापसी पन्नू और उसकी फैमिली को, जो कि डुप्लीकेट है और दोबारा एंट्री हुई है। गाइस यहीं पर फिल्म की जो है ना स्टोरी समाप्त होती है, क्योंकि ना उसके बाद जब सब सही सामने आती है और पता चलता है भूत है नहीं है, क्योंकि अमावस के बाद तक कोई बचता नहीं था, इस बार ये बच गई थी तापसी पन्नू, क्योंकि वो उसकी शक्ल कहीं ना कहीं उसी से मैच होती थी या फिर उस जहर का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद जो उसका जगपति बाबू का पोता होता है उस पर कब्जा करने के लिए आ जाता है। इतने में एंट्री होती है विजय सेतुपति के दूसरे रोल की, दूसरा कैरेक्टर, जो कि इस बार पुलिस इंस्पेक्टर है, काफ़ी हाई रैंक का है, और वो अनाउंसमेंट करता है जो ये पैलेस है अब इसने राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया है, अब से टूरिस्ट प्लेस होगा, एक हेरिटेज होगा, यहाँ पर लोग आएंगे जाएंगे, तो ये अब हमारा होता है। और फिर गाइस सेम जो हमने फर्स्ट सीरीज में देखा था राजा के साथ योगी बाबू नजर आए, ये कहने का मतलब विजय सेतुपति के साथ, और दूसरा जो विजय सेतुपति आता है वो ऑफिसर वाला, उसके साथ भी एक ऐसे ही पंटर होता है, कहने का मतलब गाइस ये है। और फिर वो सेम चीज़ दोहराते हैं तापसी पन्नू के साथ,
क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ सोच रखी है। बोले क्या? वो मेरे दिमाग में है। अगर आप हाँ कहो तो तैयार करते हैं। बोले तैयार करो। फिर इतने में आती है हेडिंग, वेटिंग सॉरी पार्ट टू कमिंग सून। कहने का मतलब गाइस ये है, फिल्म काफ़ी अच्छी है, थीम काफ़ी अच्छी है और इसका जल्द ही दूसरा पार्ट आएगा। मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे फिल्म पसंद आई। डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग फिल्म है गाइस, कहनी पड़ेगी। मुझे इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वास्तव में पसंद आई और इसकी जो थीम है रखी गई है गाइस गजब है। अनफॉर्चुनेटली झकास है। आप देखोगे, आप समझोगे, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।